बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। क्या बोला तूने? 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अच्छा, पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप का मजाक बनाने की दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज कुछ ऐसा है मानो किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म कर रहे हो। मोदी जी बता रहे हैं कि पिछले 100 दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ और किस किस ने उनका मजाक उड़ाया, और वो भी ऐसे बता रहे हैं कि सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हालांकि असल मजाक तो तब शुरू होता है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में करीब 60 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। अब भाई साहब, कांग्रेस का नाम हरियाणा चुनाव में 60 बार लेना कुछ वैसा ही है जैसे आमिर खान की फिल्म में शाहरुख खान का नाम बार बार लिया जाए। आखिरी बार जब हम चेक कर रहे थे तो हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार, तो फिर कांग्रेस का नाम इतना बार बार क्यों लिया जा रहा है? शायद मोदी जी भी सोच रहे थे कि कांग्रेस बोलने से उनके भाषण में कोई विशेष ताजगी आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का यह भाषण कांग्रेस लॉजी पर आधारित था, यानी कि कैसे हर जगह हर मुद्दे पर कांग्रेस को घसीटना एक कला है। अब चाहे बिजली कट रही हो या बारिश हो रही हो, इसका कोई भी संबंध कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है। हरियाणा के लोग अब सोच रहे हैं कि भाई 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो मोदी जी कांग्रेस पर इतना क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या पता, शायद प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही हर परेशानी की जड़ है, चाहे वे सत्ता में हो या ना हो। अंत में, इस वायरल वीडियो ने चुनाव से पहले हंसी ठिठोली का माहौल जरूर बना दिया। अब देखना यह कि हरियाणा की जनता इसे कैसे लेती है। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।